ऋषि, ऋषि क्या हुआ बेटा? किसने किया ये सब? ऋषि, ऋषि, ऋषि आप डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, प्लीज मत रो। ऋषि, इट्स ओके। मिस्टर मेहरा, सर वो एक मिनट। मिस्टर मेहरा, अब ऋषि हमारी कस्टडी में है, आगे के प्रोसेस के लिए प्रियंका को यहाँ बुलाना होगा, ऋषि की आइडेंटिफिकेशन के लिए। प्रियंका यहाँ कैसे आएगी? वो ड्रामा में है, वो यहाँ कैसे आ पाएगी? आइडेंटिफिकेशन मैं कर लूंगा सर, मैं जानता हूँ ये वही लड़का है जिसने प्रियंका के साथ, आप लोगों ने सही लड़के को अरेस्ट किया है, ही इज द कल्प्रिट। मैं जानता हूँ सर ये वही लड़का है, बट हमें भी तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, रूटीन वर्क है, प्लीज। हेलो प्रियंका, तुम पुलिस स्टेशन आ सकती हो आइडेंटिफिकेशन के लिए। पुलिस स्टेशन? नहीं टैक्स, मैं वहां नहीं आऊंगी। आपको पता है ना वहां पे ऋषि होगा, फिर मुझे नहीं टैक्स, प्लीज मुझे मत बुलाए यहां पे, प्लीज टैक्स, मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लगता है वहां पे, प्लीज प्लीज। हे प्रियंका, रिलैक्स रिलैक्स, रो मत, इट्स ओके, फाइन, स्टॉप क्राइंग, डोंट कम, तुम मत आओ, ठीक है, रोना मत। ओके सर, वो ट्रॉमा में रो रही है, इस हालत में वो कैसे आएगी? आप ठीक है, तो आप उसे कल बुला लीजिए, ठीक है? जब तक प्रियंका ऋषि को आइडेंटिफाई नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कर दी अगर उसकी हालत खराब हुई, अगर वो इसी ड्रामा में है तो कल भी नहीं आ पाएगी ना, मैं क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सर, मैंने देखा है उसे ऑफिस में, मैं कह रहा हूँ ये वही लड़का है। हम समझ सकते हैं सर, बट रूल्स आर रूल्स, मिस्टर मेरा कमिश्नर सर राउंड पे है और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो मैं आपको ऋषि से मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। नो, आप बैठ जाइए प्लीज। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ उसे, वो गिरा था, उसे चोट लगी थी, आई वांट टू सी इफ ही इज ऑलराइट। नहीं सर, लेकिन मैं फिर भी आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकता, प्लीज। ठीक है, मैं नहीं मिल सकता, मैं डॉक्टर को तो बुला सकता हूँ। ठीक है, ओके। जी तुम डरो मत, उसका नाम बताओ। इसके लिए मुझे ब्लेम किया, ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मुझे इतना मारा क्यों? पता है तुमने कुछ नहीं किया बेटा, इसलिए तुम्हें इतना रोना आ रहा है, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने आज सबको बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, किसी ने माना ही नहीं, प्लीज आप मेरी बात मानोगे ना? मैं ऑफिस से निकल ही रहा था तो प्योन ने आके बोला कि मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है, ऑर्डर थे तो जाना पड़ा, जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले से ही प्रियंका थी। मैं हूं वो नहीं, मोलेस्टेशन मेरे साथ हुआ है, उसके साथ नहीं, उसने मेरे साथ गेम खेला, और यहां पर मेरी कोई बात नहीं मानता, वो बड़े घर की बेटी, सिर्फ इसीलिए मुझे सजा मिली है। बात भरोसे की है, कौन मानेगा आपकी बात? मैं मानती हूँ इसकी बात, मुझे पता है इसने कुछ नहीं किया और मैं साबित कर सकती हूँ। मुझे पहले ये बताओ इस लॉकअप में तुम्हारी ये हालत किसने की? वो प्रियंका के चाचा ने मारा है मुझे। कहाँ है? वो इंस्पेक्टर राज के साथ है, आप इतनी देर तक लॉकअप में नहीं रह सकती हैं, चलिए आप बाहर चलिए। मुझे उनके पास ले चलिए। मसी आप मत जाइए प्लीज, वो बड़े लोग हैं, आपको भी सुनाएंगे। बड़े लोग हैं तो क्या हो गया ऋषि? आप चलिए। जितनी हदें प्रियंका ने पार की है ना, उतनी हदें उसके चाचा ने पार की। पढ़े लोगे तो उन्हें लगता है कानून की हदें उनके पॉकेट से आगे नहीं जा सकती। मैं बताती हूँ कानून क्या होता है। डॉक्टर कितना टाइम लगेगा, प्लीज आप जल्दी आइए ना। या लड़के की मासी लड़के से मिलने गई है, इनके द्वारा दी गई चोट के निशान देख लेंगी। और कोई नहीं आया, माँ वगैरह सब? माँ नहीं आई, और जब घर पे अरेस्ट करने गए थे तब भी वहाँ माँ नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी मासी के साथ ही रहता है, और जितनी मैंने उनसे बात की है मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? नहीं सर, वो आपको देखेंगी तो क्या? अपनी बात की है ना उनसे, सेंसिबल बात करने लायक है,
क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ऋषि को लड़कियों के साथ इस तरह बर्ताव करना सिखाया, और अगर वो नहीं जानते कि ऋषि इस तरह का लड़का है तो उन्हें मेरे किए पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं बोला इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोली जाओगे। देखा है मैंने सब कुछ, मैंने ऋषि को अपने ऑफिस में देखा था, वो मेरे ऑफिस से भाग कर जा रहा था, डरा हुआ था, और डर इस बात का था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। प्रियंका को भी देखा मैंने, वो डरी हुई थी, उसकी हालत खराब थी, और डर इस बात से रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता, उसके कपड़े उसका चेहरा एक जैसा था। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बातों को? आपने जो देखा वो सच नहीं है, वो सब बनाई गई कहानियां हैं, आप नहीं समझ रहे। मतलब मेरी आंखों ने जो देखा वो धोखा था, मुझे सच और झूठ का फर्क ही नहीं पता। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है कि आपको सच और झूठ में फर्क नहीं पता हो। रिश्तों तब होगा ना जब भी तुम्हारे साथ जाएंगे, इसलिए मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये मेरे साथ रहेंगे। आप आवाज ऊंची करके सच को नीचा नहीं दिखा सकते। मैं मिल चुकी हूँ प्रियंका से, मुझे पता है वो कैसी लड़की और क्या कर सकती है। तुम नहीं जानती उसे, she is innocent. ऋषि is innocent, उसने कुछ नहीं किया है, ये उसकी आंखें बताती है, जिन आंखों में औरतों के लिए इतनी इज्जत है। प्रियंका की आंखों में मैंने ऋषि का सच देख लिया है, ठीक है? मतलब प्रियंका ने आपको भी बेवकूफ बना दिया। प्लीज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, ऋषि को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अगर आपने ऋषि को हाथ भी लगाया ना तो देखिए मैं क्या करती हूँ। मैं ऋषि को मारने की बात नहीं कर रहा था, मैं प्रियंका को जस्टिस दिलाने की बात कर रहा था। जस्टिस की बात कर रहे हैं तो वो ऋषि को मिलनी चाहिए। विक्टिम ऋषि है, प्रियंका नहीं। How can you be so insensitive? तुम एक औरत हो। औरत के साथ साथ एक इंसान भी हूँ मैं। सच और झूठ का फर्क मुझे पता है, सही और गलत का फर्क पता है, और यही ना समझिए जिसकी वजह से अपने अपनों से अलग हो जाते हैं। सब अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अरे आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, ये पुलिस स्टेशन है, प्लीज। Now tell me, is there something कि तू किसी से प्यार करती है and तेरे प्यार को उस लड़के ने reject कर दिया? Is there something like that? तू बता, तू किसी से प्यार करती है? Listen, मेरे प्यार करने से तेरे प्यार को कोई connection नहीं है. Still if you wanna know, मैं किसी से प्यार नहीं करती. Because I'm Riya Mehra. मैं लड़कों से प्यार नहीं करती, लड़के मेरे प्यार में पागल होते, so that's their job, not mine. ऐसा है तो तुझे समझाना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो कुछ लोग मुझसे करवा रहे हैं, मैं वही कर रही हूँ जो कुछ लोग डिजर्व करते हैं। मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, उसे भी मुझसे प्यार हुआ था। प्यार अच्छा होता है, लेकिन प्यार में सब कुछ अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। उसने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें पता है छोटी सी बात पर उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और उस मिडिल क्लास लड़की से उसे प्यार हो गया। टेक माय एडवाइस, तुझे लाइफ में कभी किसी से प्यार हो ना तो उसे लड़कियों से तो हमेशा दूर रखना, स्पेशली मिडिल क्लास लड़कियों से जो हर वक्त गरीब होने की एक्टिंग करती है। I don't know, लड़कों पे ऐसा क्या जादू करती है कि लड़कों को लगता है कि दुनिया की सारी क्वालिटीज, दुनिया की सारी अच्छाइयाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में हैं। जिससे मैंने प्यार किया उसने उस घटिया लड़की से प्यार किया, एक ही USP है उसमें कि वो मिडिल क्लास है। But don't worry, मैंने भी एक्शन का रिएक्शन दे ही दिया, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। ऋषि ने किया मेरे साथ ऐसा। गुड नाइट। गुड नाइट। अंते क्या फिजर? मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था, उसे भी मुझसे प्यार हुआ था, छोटी सी बात पर उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और उस मिडिल क्लास लड़की से उसे प्यार हो गया। दैट्स नॉट पॉसिबल, रणबीर हैज अ क्लास,
आई मीन उसे तो मिडिल क्लास लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इनफैक्ट अगर वो किसी से फ्लर्ट भी करता है वो स्टेटस देख के करता है। प्राची नो, प्राची से तो उतना चिढ़ता है डूड, उसकी वर्कर उसके साथ ऑफिस में काम करती है। रणबीर लाइक्स मी एंड ही लव्स मी। वो ऋषि कहाँ है? लगा जी डॉक्टर साहब ऋषि का चेकअप कर रहे हैं, पर घबराने वाली कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है सब ठीक है। ये है ना डॉक्टर का केबिन। पर आप ऐसे नहीं, नहीं प्लीज प्लीज उन्हें मत रोकिए, एक गलती आप कर चुके हैं दोबारा मत कीजिए। यस ऋषि। डॉक्टर मासी है मेरी, प्लीज बैठ। ऋषि आप कैसा? मैं ठीक हूँ मासी। ऋषि मैं डॉक्टर से पूछ रही हूँ ना, बोलने दो उन्हें। यंग बॉय डोंट वरी, उनके गुस्से में ही उनका प्यार है, और आप भी फिकर मत करिए। There's nothing to worry about. और ये जो थोड़े बहुत घाव हैं ये भी ठीक हो जाएंगे, इन्हें इतनी चोट नहीं लगी है कि इन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, बट स्टिल थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना। Okay, I understand. और वैसे भी इन्हें कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, सो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू। मैं कुछ दवाई लेकर आता हूँ। क्या हो, क्या सोच रहे? सोच रहा हूँ कि प्रियंका की चाचा ने वाकई गलत किया, क्योंकि मैंने अपने आप को उनकी जगह रख के देखा, वो बस अपनी भतीजी के लिए परेशान थे, जैसे आप मेरे लिए हो, जैसे आपको मैं इनोसेंट लगता हूँ, शायद उनको भी प्रियंका इनोसेंट लगती हो, बस नजरे का फर्क है, सोच का नहीं। पता है मुझे, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए। वो आपकी बात क्यों समझेंगी? आप थोड़ी ना उनके कुछ लगती हो। ऐसे कैसे नहीं लगती, मैं उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए। मैं भी यही मानता हूँ। तुम चिंता मत करना, कल कल सुबह तक बेल हो जाएगी। ये इनकी टैबलेट्स हैं, ये आप मुझे दे दी, ये दे दी, आप इन्हें लेके जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। शूट शूट, यस यस, 3 points, जस्ट 1 to go 1 to go 1 to go 1 to go 1। ओह शिट यार, अभी अरे रुक, प्लेन क्रैश हो गया यार। इसका मेरा मोबाइल पे गेम खेल रहा था ना, क्रैश हो गया प्लेन। अरे कहाँ है तू यार अभी यार, और कहाँ जा रहा है तू? मैं तुझसे कल बात करूँ? नहीं नहीं कल नहीं, आज आज, मैं बहुत देर से तेरी राह देख रहा हूँ। अब मैं तुझसे कल बात करूँ? अरे यार क्या हो गया तेरे को यार, तू परेशान लग रहा है, मुझे तो बता, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मैं तुझे हेल्प करूँगा। मैंने बोला आज बात करनी है, मतलब आज, कल नहीं, अभी बोल, कल टाइम नहीं मेरे पास। अरे अभी रुक रुक, ठीक है कल बात करते हैं, लेकिन कल पक्का, फर्स्ट हाफ में करेंगे, सेकेंड हाफ में बिजी हूँ मैं। ओके कल कल पक्का। वो मैंने मेकअप से चोट के निशान छुपा लिए। कल तुम ऐसा नहीं करोगी तो अच्छा होगा। चक्स, पुलिस स्टेशन जाना जरूरी है क्या? जितना मुश्किल तुम्हारे लिए, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे लिए। प्रियंका, कई बार हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हम नहीं करना चाहते। तुम्हें ऋषि को आइडेंटिफाई करना होगा, इट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके चक्स, बट प्रॉमिस मी कि आप मेरे साथ ही रहेंगे वहाँ पे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा प्रियंका, I won't leave you alone. नहीं छोड़ूंगा तुम्हें अकेले। All right? तुम बस ऋषि को आइडेंटिफाई करो, उसके बाद पुलिस उसे उसके किए की सजा देगी। Thank you, Chucks. I love you. कुछ नहीं होगा। You'll be fine. उस बुढ़िया ने ऋषि का रोका करवाया है ना? अब वही इस रोके को तोड़ के मुझे अपनी बहू बनाएगी, क्योंकि मैं उनके सामने ये शर्त रखूंगी कि मैं ऋषि पर से अपना केस तब भी वापस लूंगी जब वो लोग मेरी ऋषि से शादी करवाएंगे।
स्विच ऑफ? ये ऋषि का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहे? दी फोन, फोन बज रहा। अगर ऐसी बात है तो माफी भी मांग लेंगे, लेकिन अभी अभी कोई और प्लान। क्या? मेरी माँ कहती है कि जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, और मुझे लगता है मेरी माँ ठीक कहती है। वो क्या है ना, नजर लग जाती है। ना ना ना, तेरी नजर नहीं लगेगी, पर वो बताना नहीं चाहिए ना। अभी तो तू ठीक वैसा कर जैसे मैं तुझे बताता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई। देख 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 देख, देख। ये वही औरत है जिसे कल मैंने प्राची के साथ देखा था। आप कुछ भूल तो नहीं गई? अरे हाँ, वो दुकानदार से बार्गेनिंग तो अच्छे से कर लेंगे आप। पैसे कैसे देंगे, ये कौन ले जाएगा? अरे ये ढूंढ रही थी मैं। थैंक यू, हाँ थैंक यू। तू मेरी सबसे समझदार और सबसे अच्छी बच्ची है। अपनी माँ पे गई। हाँ सही है सही है। कितनी प्यारी स्माइल है ना। किसकी? अबे तेरी भाभी की और किसकी? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो वो बूढ़ी आंटी को देख रहा था। अबे बूढ़ी आंटी नहीं, नानी बोल, नानी है उसकी। तुझे कैसे पता? अबे बूढ़ी औरतें नानी ही होती हैं। नानी नहीं तो दादी होगी, और नानी और दादी जैसे लोगों पे ना जादू करना बड़ा आसान होता है। कौन सा जादू? DDLG वाला जादू। हाँ, जैसे शाहरुख खान ने काजोल की फैमिली को पटाने के लिए जो जो किया था ना, उसी तरीके से मैं अपने हीरोइन को पटाने के लिए वो करूंगा। बस तू देख और सीख। ये पकड़ तू। अरे टैक्सी टैक्सी टैक्सी, आपकी मदद के लिए आया हूँ। टैक्सी, हेल्प कर देता हूँ। अरे 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 भाई, करोल बाग चलोगे क्या? अरे ऐसे कैसे जाएगा? हाँ गाड़ी हमने रुकवाई है, हम जाएंगे इस। मैं जानता हूँ कि आप इन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन इंसानियत, इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। इंसानियत के नाते आप इन्हें जाने दीजिए, ठीक है? कितने नेक इंसान हो आप, कितना अच्छा दिल है आपका। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोहित सिंह है, उर्फ संजू। चलो, क्या आधार कार्ड बताएगा वो, अपना एड्रेस बताएगा तब चलोगे? हा? नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, टैक्सी शेयर कर लेंगे। अरे ये शेयरिंग की टैक्सी थोड़े है। प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मैं भी चलता हूँ, मैं आपकी मदद कर दूंगा। पहले क्यों नहीं बोला कि ये शेयरिंग की टैक्सी है? चल भाई चल। तो वो चोट के निशान है जो दिखाई दे रही है, यही तो निशान है जो ऋषि की फैमिली पे दाग लगाएंगे। वैसे कुछ मामलों में दाग अच्छे होते हैं। सब हुआ है मेरे साथ, ये तो वो चोट के निशान है जो दिखाई दे रही है। वो चोट कैसे दिखाऊं जो मेरे अंदर लगी है? कौन? जैसे आपने कहा चक्स, मैंने आज मेकअप नहीं किया। अब इससे पहले कोई और देख ले, हम जल्दी जाते और जल्दी वापस आ जाते। मैं भी सबको जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी उसे सजा मिलेगी ना, इतनी जल्दी तो मैं इस ट्रॉमा से बाहर होगी। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अब देखती हूँ ऋषि से मेरी शादी कैसे नहीं होती। प्लान की सेकेंड स्टेज शुरू। हाँ मैं बाहर आ गई हूँ, आपको कितना टाइम लगेगा? नहीं नहीं, मैं बाहर ही खड़ी। हाँ जी आ जाइए आप। दी रुको रुको रुको, आप मत जाओ, ऋतिक आ रहा है आपको पिक करने। अरे लेकिन क्यों, मैं चली जाऊंगी ना, मैंने कैब बुला ली है, कैब आती ही होगी। देखो आ गई शायद, तुम टेंशन मत लो। आप मैडम मीटर खराब है,
पर जो ठीक लगे उतना भाड़ा दे देना। नहीं नहीं हाय, मैं चली जाऊंगी, आई विल मैनेज। अरे क्यों, हो रही है चीजें होने दो, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है मैनेज करने के लिए। अरे लेकिन वैसे ये दोस्त बनके हेल्प करा है, करने दो। लेकिन ऐसी छोटी सी चीज के लिए क्यों बेवजह इसे परेशान करना? अरे परेशान आप हो रही हैं, रिलैक्स कीजिए। आप जहाँ बोलेंगी वहाँ बाहर छोड़ दूंगा मैं, एंड आई प्रॉमिस रास्ते में ज्यादा पक पक भी नहीं करूंगा, प्लीज। नहीं मतलब मुझे कहा था ना 10 मिनट में आ जाऊंगा, यही तो फायदा होता है घर के पास रहने का। हाँ थोड़ा नुकसान भी होता है पर। मतलब दिशा तुमने बुलाया था इसे मुझे ड्रॉप करने के लिए? नहीं 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 दी, इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये कुछ भी बोलता रहता है। अब ये क्यों बुलाएगी, ये तो अपने घर के आसपास भी फटकने से मना करती है। वो तो मैंने ही सोचा कि अब मैंने सोचा कि कुछ हेल्प कर पाएंगे तो मतलब एटलीस्ट आपका ट्रैवल टाइम तो बच जाएगा ना। थैंक यू। तुम कितना झूठ बोलोगी, ये सारे निशान ये कहानियां सब झूठी हैं। तुम प्रियंका से ऐसे बात नहीं कर सकती। और ये जो चाहे वो कर सकती है, जितना चाहे झूठ बोल सकती है। लाइफ इसकी स्पॉइल हुई है, रो रही है ये। ये रो नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। इसकी एक झूठ की वजह से इसकी पूरी जिंदगी खराब हो रही है। झूठ ये बोल रहा है, अरे हैवान जैसी हरकत की, अब कहर जैसे झूठ बोल रहा है ये। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये लड़की झूठ बोल रही है और मैं ये साबित कर दूंगी। आपको लगता है कोई लड़की अपनी इज्जत को लेके उसे झूठ बोलेगी? तुम बोलोगी झूठ। उस रात तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे पास आई और मुझे जबरदस्ती किस करने लगी। तुम पागल लड़की हो, तुमने मेरे बटन खोले, उसके बाद तुमने मेरे साथ शट अप। सब आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, आपको पता है करना क्या है। श्योर, आप जाइए। चलो प्रियंका। यस हेलो, कहाँ हैं आप? मैं आ रही हूँ। यार आज तेरी भाभी से मुलाकात नहीं हुई। भाई भाभी का तो पता नहीं, लक्ष्मी मैया आ रही है। अबे लक्ष्मी मैया नहीं, चामुंडा देवी बोल, और अब यहाँ क्यों आ रही है ये? हे हाँ, नहीं 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 नहीं, छूने की कोशिश नहीं करना मुझे, नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्राची का हूँ, उसके अलावा किसी का नहीं। बहुत वफादार हूँ मैं उसके लिए, समझी? So you wanna say that मैं तुम में interested हूँ? That's what you think, हाँ? अरे मतलब इसमें थिंकने जैसा क्या है? नहीं मतलब इसमें सोचने जैसा क्या है? साफ साफ समझ में आ रही है ये बात? आप चाहती हैं कि मैं प्राची से दूर रहूँ, यही चाहती हो ना तुम? हा? ये इतनी सिंपल सीधी सी बात है कि बिट्टू भी समझ गया। क्यों भाई समझ में आ गई तुझे? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आ गई। लेकिन मैडम आप नहीं समझी, प्राची से मिलने के लिए मैं होशियारपुर से यहाँ आया हूँ। छोटे से घर में किराए से रह रहा हूँ, बल्कि वहाँ होशियारपुर में मेरा बहुत बड़ा घर है, बड़े बड़े खेत हैं, ट्रैक्टर है, कार है, 5 भैंसे हैं, दूध दही घी मक्खन माँ के हाथ का खाना सब कुछ छोड़ करके आया हूँ। किसके लिए? प्राची के लिए। और मैडम आप कह रही हैं कि मैं प्राची से दूर रहूं, कमाल की बात है ना। साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि कुछ नहीं, तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है मेरे लिए। और बता दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। हो गया? हाँ? Now I have a good news for you. मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तुम मेरे साथ बहुत सेफ हो, बहुत क्या, बहुत से ज्यादा सेफ हो। और अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा प्यार प्राची तुम्हें मिल जाए तो कॉलेज में आना बंद करो। कौन है लड़का? मैंने इसे मेरी प्राची के साथ देखा है।
बेल हो गई? हाँ जी हो गई। थैंक यू सो मच, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे थैंक। इसके लिए बहुत टाइम पड़ा, फिलहाल हम बेल के फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते। चलिए। हेलो इंस्पेक्टर, माई सेल्फ एडवोकेट सिन्हा, ऋषि का लॉयर, ये उनके बेल के पेपर्स। ऋषि को ले आ, उसे बोल उसकी बेल हो गई। जी सर। कब देखा और कहाँ देखा? कल देखा और यहीं देखा। यहाँ देखा? Oh, I thought, you know, कहीं बाहर देखा। Dude, ये कॉलेज है right? यहाँ पे सबका आना जाना होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, so not a big deal, okay? और एक बात, I really want to tell you, इस लड़के से दूर रहना, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। चाहते हो ना अपनी प्राची का दिल जीतना, तो जब फोन करूं तब आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर माई कॉल, ओके? हमेशा मेरे साथ यही होता है, अब मैं कभी नहीं होने दूंगी। आंटी मैं बता रही हूँ, कल से मैं नहीं उतारूंगी कपड़े। क्यों, क्या हुआ? हाँ आज भी तो इन्होंने उठाए, जो बोल रही है कल से नहीं उठाऊंगी। मधु दीदी आप उससे लड़ना चाहते हो? आपने मेरा सूट नीचे गिराया था। ऐसा है ना, लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ हाँ मैंने गिराया था, बस मान भी गई। तुझे खुश रखना चाहती है। हाँ पर मुझे तो छुट्टा बना दिया ना, अब सारे कपड़े इन्होंने गिराए, अब लगा कि मैंने गिराए। अभी बताती हूँ। दिमाग ठंडा रखा कर, चल बैठ, तेरे भी चंपी करती, रुक। हाँ बैठ, मेरा हो गया, मैं नहाने जा रही हूँ। बैठ बैठ बैठ। फोन बज रहा है सर, एक सेकंड ना। हेलो शाना, कहाँ पे हो तुम लड़कियाँ? घर पे। घर पे तो ताला लगा हुआ है। अरे वो वाले घर पे नहीं। तो कौन सा वाला घर? मैरोली वाले घर पे, गांधीनगर कॉलोनी नंबर 6 और ब्लॉक नंबर 1। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? किसका फोन था? रणबीर का। है तो घर का एड्रेस क्यों बताया? अब उसने पूछा कि तुम लोग गाँव, तो मैंने बता दिया। और वैसे भी मैं कभी कभी तो कोई काम करती हूँ, पर जब करती हूँ ना तो अब तो माफ करती हूँ। अरे जब तू करती है ना तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसने किया ही क्यों। अब मालिश फ्री में कर रहे हो, इसका मतलब ताने भी फ्री में सुनाओगे? अच्छा अच्छा पैसे दे फिर ताने सुनाती हूँ। मुझे नहीं करवानी कोई मालिश, मैं ट्रांसफर कर दूंगी आपको। अरे सहाना, बहुत मुँह फट है ये लड़की। पहले मैं सोचती थी कि इससे बुरा कौन होगा, लेकिन जब से प्रियंका से मिली हूँ ना, ये अच्छी लगने लगी है। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये लड़की झूठ बोल रही है और मैं ये साबित कर दूंगी। Shut up! चाहिए। ऋषि बाहर आ गया है, मैं जानता हूँ ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, पर आई प्रॉमिस यू वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, वो तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। ऑलराइट? एक्स आपको याद है जब मैं 7 साल की थी तब आप लोगों के साथ रहती थी, तब मैं गार्डन में एक झूले से गिर गई थी। याद है मुझे। तब आपने गार्डन से वो झूला ही हटवा दिया था, जबकि वो रिया का फेवरेट झूला था। आपको लगा था कि मैं इसमें दोबारा बैठूंगी और कहीं मैं गिर ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। मुझे रिया की भी फिक्र थी, यह बचपन से वो राइड करना सीख गई लेकिन स्विंग कभी नहीं कर पाई। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रही? ऋषि भी ना उस झूले की तरह, जैसे स्विंग हिला हुआ था ना, वैसे ऋषि का दिमाग हिला हुआ है। चक्स वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी लड़की को शिकार बना सकता है। चक्स जैसे आपने मेरी लाइफ से वो स्विंग हटा दिया था ना, वैसे आप ऋषि को क्यों नहीं हटा सकते? वो मेरे लिए नहीं सबके लिए खतरा, वो बाहर खुला घूम रहा है। जैसे आपने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आप उसे सजा दिलवाएंगे, तो
आपने मेरा प्रॉमिस क्यों तोड़ दिया? वो तुम्हें टच भी नहीं करेगा, ठीक है? शख्स जो जान से मार भी सकता है, आपको पता भी नहीं चलने देगा। Can you shut up and have faith in me? वो बेल पर जेल से बाहर आया, केस से नहीं। उसे उसकी किए की सजा मिलेगी, ठीक है? तुम रोना बंद करो। Just stop crying. चले। अरे तू आ गई? ऋषि कहाँ है? अरे ऋषि मेरा बच्चा, तू आ गया? पूरा एक दिन हो गया तेरे को देखे हुए। हाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है ऋषि भैया, आप आ गए। आपको पता है मैंने आपके लिए भगवान से मन्नत मांगी थी। मन्नत? कैसी मन्नत? मैच के लिए ऋषि गया था, बताकर गई थी मैं, तो उसी की मन्नत। चलो अंदर चलो। अंदर आओ। हाँ भगवान से मन्नत मांगी थी, मैच जीत जाए। अरे जब तक प्रज्ञा से बात नहीं हुई थी ना, मेरे को तो इतनी बेचैनी हो रही थी, उसने फोन करके बताया तब कहीं दिल को चैन पड़ा मुझे। अरे क्या हुआ घर में शोर कैसा? मासी, माँ आप आ गई। मधु दीदी जरा सी चाय बना दीजिए ना, सर दर्द कर रहा है थोड़ा सा। अरे क्या हुआ? अरे नहीं नहीं टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा नॉर्मली।